कोई नई चीज मिलती है तो मन बहुत खुश होता है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वही चीज पुरानी और उबाऊ लगने लगती है। जो वस्तु कल तक हमारा परम लक्ष्य थी, आज वही चीज हमारे लिए उबाऊ बन चुकी है। इस चीज के पीछे क्या कारण है, कभी सोचा है आपने? अगर वो चीज या वो लक्ष्य वास्तविक सुख नहीं था तो वास्तविक सुख क्या है? चलिए ये बात इस बोध कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक आदमी सर्वोच्च सुख की तलाश में था। उस सुख को ढूंढते ढूंढते एक धनी सेठ के पास पहुंच गया और उससे कहा कि तुम्हारे पास तो खूब सारा धन है, तो क्या तुम्हें तुम्हारा सर्वोच्च सुख मिल चुका है? वो धनी सेठ उस आदमी से कहता है कि कैसा सुख, मेरे पास उतना धन नहीं है जितना कि राजा के पास है, मेरे पास भी उतना ही धन होना चाहिए था। इसके बाद वो आदमी एक गरीब आदमी के पास पहुंच जाता है और कहता है कि क्या तुम्हारे पास कोई सुख है? वो गरीब आदमी कहता है कि मुझे आज का भोजन मिल गया, यही मेरा सुख है। अगर मैं कल के भोजन के बारे में सोचूंगा तो दुखी हो जाऊंगा, क्योंकि कल का भोजन मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा इसका मुझे कुछ पता नहीं है। तब वो आदमी एक ऐसे आदमी के पास जाता है जिसके पास खाने के लिए बहुत कुछ होता है। तब वो उस आदमी से पूछता है कि तुम्हारे पास तो खाने के लिए बहुत कुछ है, तो तुम्हारे पास तो सर्वोच्च सुख होगा ही। तब वो आदमी कहता है कि कैसा सुख, आज के भोजन में नमक ज्यादा डाल दिया, मैं इसे नहीं खा सकता, इसे फेंक कर मैं दूसरा भोजन बनवा रहा हूँ। जैसा मैं हमेशा खाता हूँ मुझे वैसा ही स्वादिष्ट भोजन चाहिए, आज मैं बड़ा दुखी हूँ। इसके बाद वो आदमी एक सम्मानित और प्रतिष्ठित आदमी के पास पहुंच जाता है और उनसे कहता है कि आपके पास तो इतना मान सम्मान है, आपको तो आपका सर्वोच्च सुख मिल ही गया होगा। तब वो प्रतिष्ठित आदमी कहता है कि कैसा सुख, मैं तो बहुत दुखी हूँ, मेरा एक दूसरा मित्र है जिसे देखते ही सब उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं, कोई मेरे पास नहीं आता जब वो मेरे साथ होता है, मुझे उस आदमी से अधिक सम्मान और प्रतिष्ठा चाहिए और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तब उस आदमी ने सोचा कि इन सबसे ऊपर का सुख काम वासना का सुख है, और जिस आदमी के पास काम वासना भरपूर होगी वो आदमी तो सर्वोच्च सुख को प्राप्त कर ही गया होगा। यही सोचकर वो एक ऐसे आदमी के पास जाता है जो काम वासना के चरम पर होता है और उससे जाकर पूछता है कि क्या काम वासना से तुम्हें सर्वोच्च सुख की प्राप्ति हुई है? तब वो आदमी कहता है कि कैसी प्राप्ति, अभी तो बस मैंने शुरुआत ही की है, मुझे रोज नई स्त्री चाहिए, मुझे कुछ नया चाहिए, अब तो जीवन भी व्यर्थ सा लगने लगा है, मेरे मित्र मुझसे कहते हैं कि मुझे नगर जाना चाहिए, वहीं मेरी काम वासना की पूर्ति होगी, लेकिन वहां जाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे इसके लिए पहले अधिक धन कमाना होगा। सबकी बातें सुनकर उस आदमी को कहीं भी सर्वोच्च सुख नहीं दिखा। तब उसने तय किया कि वो बुद्ध के पास जाएगा और इसीलिए वो बुद्ध से मिलने के लिए निकल जाता है और बुद्ध के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके उनसे कहता है कि हे तथागत, मैं बहुत दूर से आया हूँ, मैंने सुना है कि आप सबकी समस्याओं का समाधान कर देते हैं, क्या आप मेरी समस्या का भी हल कर देंगे? तब तथागत बुद्ध कहते हैं कि कहो क्या जानना चाहते हो? तब वो आदमी कहता है कि हे तथागत, मैं पूरी दुनिया के भ्रमण पर गया था ये जानने के लिए कि सर्वोच्च सुख क्या है, एक ऐसा सुख जिसे मिलने के बाद किसी दूसरे सुख की लालसा ना रहे, आदमी परिपूर्ण हो जाए, एक ऐसा सुख जिसकी कामना हर कोई करता है, ऐसा सुख जो कोई भी नहीं चाहता कि उसके जीवन से जाए, परंतु मुझे अभी तक ऐसा कोई भी सुख नहीं दिखा जो सर्वोच्च हो, जिसके पाने के बाद इंसान कह सके कि मुझे और कोई सुख नहीं चाहिए, यही मेरे लिए सर्वोच्च सुख है। हे बुद्ध, क्या सच में ऐसा कोई सुख है जिसके मिलने के बाद किसी दूसरे सुख की कामना ही ना रहे? तब बुद्ध उस आदमी की बात सुनकर कहते हैं कि तुमने इस दुनिया का भ्रमण करके क्या जाना कि ये दुनिया कैसी है, यहाँ सबका सुख कैसा है? तब वो आदमी कहता है कि हे बुद्ध, यहाँ पर सबका सुख अलग अलग है, किसी का भी सुख एक समान नहीं है, सबकी परिभाषा यहाँ पर अलग अलग है।
यहाँ पर कोई सुखी होने के लिए राजा की तरह बहुत सारा धन दौलत चाहता है, तो कोई काम वासना में अपना सुख खोज रहा है, कोई भोजन में सुख खोजता है, तो कोई मान सम्मान और प्रतिष्ठा में सुख खोजता है, कोई किसी के दुख में अपना सुख खोजता है। तब बुद्ध ने कहा कि क्या ऐसा करने से उनको सुख की प्राप्ति हुई? तब वो आदमी कहता है कि हे बुद्ध, मैंने देखा है कि जब मनुष्य अपने सुख तक पहुंचता है, जो वो चाहता है वो उसे मिलता है, तब वो उसे पाते ही पागलों की तरह झूम उठता है, उसे इससे खुशी मिलती है। लेकिन ये सब कुछ कुछ समय के लिए ही होता है, कुछ समय बाद इस सुख की महत्ता कम हो जाती है और फिर से वो सुख खोजने लगता है, और यही चक्र निरंतर चलता रहता है, और सुख को खोजने के लिए वो आदमी और ज्यादा दुखी होता रहता है। वो आदमी कहता है कि हे बुद्ध, ये कैसी दुनिया है जो सुखी होने के लिए दुख को खोज रही है। तब बुद्ध मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं कि एक बात बताओ कि क्या जो राजाओं की तरह धन दौलत चाहता था, क्या उसके पास धन दौलत की कोई कमी थी? और जो काम वासना को चाहता था, उसके पास काम वासना की कमी थी? और जो स्वादिष्ट भोजन चाहता था, क्या उसके पास दो वक्त के भोजन की कमी थी? तुमने देखा कि इनके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, फिर भी ये सब दुखी थे। और इसका कारण यही है कि इन सब को अपना सुख दिखता ही नहीं, बस कुछ दिखता है तो वो कमी। दूसरों के पास जो है उसे पाने में सुख नहीं है, बल्कि सुख का मजा तो तब आता है जब आपके पास जो कुछ भी होता है उसका भरपूर आनंद लिया जाए। हम अपनी आंखों से दुनिया देख सकते हैं, प्रकृति का सौंदर्य देख सकते हैं, दूसरों की भावनाओं को पढ़ सकते हैं, लेकिन हम अपनी आंखों से देखते क्या हैं? हम केवल वासना को ही देखते हैं, एक ऐसी वासना जो केवल सुख का लालच देकर दुख की ओर ले जाती है, और तब हम फिर से दुखी हो जाते हैं। तब वो आदमी पूछता है कि हे बुद्ध, कि क्या कोई ऐसा सर्वोच्च सुख नहीं है जो जीवन में यदि एक बार आ जाए तो जीवन में किसी दूसरे सुख की जरूरत ही महसूस ना हो, तब वो पूर्ण रूप से संतुष्ट होकर अपना जीवन जिए। इस पर तथागत बुद्ध कहते हैं कि यही कामना तो हमारे दुख को जन्म देती है, क्योंकि कामना हमारे स्वार्थ से भरी होती है, इसीलिए कामना करते ही दुख स्वतः उत्पन्न होने लगता है। कभी वो दुख जल्दी आ जाता है तो कभी सुख के पीछे, लेकिन आता जरूर है। इस दुनिया में सर्वोच्च सुख जैसा कुछ नहीं होता, सुख कितना ही बड़ा क्यों ना दिखे, उसके पीछे दुख हमेशा रहता है। एक सुख तुम्हारे लिए सर्वोच्च हो सकता है, लेकिन यही सुख दूसरे के लिए छोटा हो सकता है। जहां भी तुम सुख की कामना करोगे वहां तुम्हें दुख अवश्य मिलेगा, और जहां तुम्हें दुख मिलेगा वहां सुख अवश्य आएगा। यदि तुम दुख से मुक्त होना चाहते हो तो तुम्हें सुख से भी मुक्त होना पड़ेगा। आज तुम दुखी हो क्योंकि तुमने सर्वोच्च सुख की कामना कर रखी है, लेकिन यदि तुम अपने सर्वोच्च सुख के दुख को जान लोगे तो तुम आज अभी सुख का अनुभव कर सकोगे। लेकिन याद रहे, सुख का लालच ही दुख का कारण होता है, इसीलिए अपने आप को तुम सत्कर्मी बनाओ, सत्कर्मी बनो। तुम्हारे सत्कर्म ही तुम्हें सुख और दुख दोनों से मुक्त करेंगे। जब तुम दोनों से मुक्त हो जाओगे तो ठीक वैसे ही बन जाओगे जैसे कीचड़ में कमल का फूल खिलकर भी कीचड़ से मुक्त रहता है। ये बातें सुनकर उस आदमी को तो समझ में आ गया कि असली सुख क्या होता है, लेकिन क्या आपको भी समझ में आया कि वास्तविक सुख क्या होता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।